पूरा मामला बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी का है, जहां बीती रात बदमाशों ने कोल्ड स्टोरेज के चौकीदार को बंधक बनाकर बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया और कोल्ड स्टोर से 7 लाख की लूट की और लूट कर फरार हो गए। जबकि वहां बदायूं और संभल का बॉर्डर है, जहां लगातार बदायूं पुलिस और संभल पुलिस मुस्तैद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। अब सवाल यह उठता है कि कोल्ड स्टोर से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस गश्त कर रही है और गश्त के बावजूद भी लूट हो जाती है। बदमाश लूट कर रहे लेकिन पुलिस को कानों कान पता नहीं चलता और अभी तक पुलिस बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ये फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरछी के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात को मारपीट और लूट की घटना हुई है। इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश जाना बताया गया है। इसमें रिलेवेंट सेक्शंस में FIR कायम हो गई है और पुलिस के पास डेफिनेट लीड्स हैं, जल्दी ही इस घटना को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।